कह रही है उसमें भारी साहबा कि जब रियासत काम करने लगती है तो उसे भूंड लड़ जाते हैं। असल में जो वाम को भूंड उन्होंने लड़वाए हैं ना, वो अभी इनको लड़ रहे हैं। काम करेंगे तो फिर भूंड नहीं लड़ेंगे। रियासत जब काम करने लगती है उन्हें भूंड नहीं लड़ जाते, ये खुद भूंडों के पास चले जाते हैं। हम भी इधर फारग बैठे हुए, मेरे भूंड लड़ी आ रहे हैं फारग बैठे हुए। माँ बाजी की बातें खिलाई मखलूक को समझ आ सकती हैं कि जब गवर्नमेंट एक काम नहीं कर सकती ना, फिर कोई बहाना ढूंढती है। हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे। अब हमें जो है ना आवाम से बड़ी शर्मिंदगी लोगों से हो रही है, जब हम इनके लिए वोट मांगने के लिए लोगों के पास गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुतरा। नाज़रीन, उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि जब रियासत काम करने लगती है तो उन्हें भूंड लट जाते हैं। हम मुझे ये समझ नहीं लग रही कि भूंड लट जाते हैं, वो कौन से भूंड है भाई जो लट जाते हैं रियासत काम करने लगती है। गर्मी है वैसे भी, भूंडों के छते पड़े होते हैं हर जगह पर, लेकिन उस्मा बुखारी साहबा ऐसा क्यों कह रही है? मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पान की हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। खलो जो हाँ जरा, मुझे नीचे होना पड़ रहा है। मैं क्या करो? और सुनाए, नाम बताए जरा अपना। नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद साहब, नज़ीर अहमद साहब क्या कहते हैं कि ये जो कह रही है उस्मा बुखारी साहबा कि जब रियासत काम करने लगती है तो उसे भूंड लट जाते हैं? भूंड क्या लड़ जाते हैं, कौन से भूंड होते हैं जो लड़ जाते हैं, ये क्या मतलब बयान है? असल में जो वाम को भूंड उन्होंने लड़वाए हैं ना, वो अभी इनको लड़ रहे हैं। मसला ये है जो वाम के साथ ये करेंगे, इनके साथ खुद भी वो ही होगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, गरीब वाम का इन्होंने सोचना ही नहीं, इन्होंने अपना सोचना है। तो हमें नहीं लड़ रहे हैं गर्मी में, इनके बिल दे के हम पागल हो गए हैं। बिजली के बिल असल में जो बिजली के बिलों में भूंड लड़ रहे हैं। हाँ जी। अब हमको तो अल्लाह पाक तो फिर इनसे खुद ही निकलवा लेगा। बिल्कुल सही। ये उस्मा बुखारी साहब का एक बयान है, कहते हैं कि जब भी रियासत काम करने लगती है उसे भूंड लड़ जाते हैं। काम ही तो कर नहीं रहे। काम करेंगे तो फिर भूंड ही लड़ेंगे। काम की किसी को कोई फिक्र नहीं है, सब अपनी पड़ी हुई है बस। जब काम करेंगे तो भूंड नहीं लड़ेंगे। भूंड नहीं लड़ेंगे, काम कर नहीं रहे इसलिए भूंड लड़ रहे हैं। सिर्फ बातों की खिचड़ी बना के हमें पका दिखाई जा रहे हैं। मुल्क का किसी को कोई फिक्र नहीं है, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। गरीब जो है वो बेचारा परेशान है, उसका कोई पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद महंगाई इतनी हो गई है, लोगों को पैसे नहीं आया कोई काम करा। ये तो सस्ता कह रहे हैं, सस्ती चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ सस्ता क्या हो गया? दूध का रेट देख लें, अब ऊपर बढ़ गया, अब 10 रुपये बढ़ा दिए फी किलो पीछे उन्होंने। गर्मी में दूध का रेट जी 27 तारीख से रेट 180 रुपये किलो दूध हो गया दुकानों पर, जो मिलावट वाला है, और जो खालिस है वो तो 250 रुपये भी नहीं मिल रहा। सस्ता क्या कर दी है? ये कह रही है रियासत काम करने लगती है तो भूंड किधर है? काम हमें तो नजर आए ना, हम इधर फारग बैठे हुए, मेरे भूंड लड़ी जा रहे हैं फारग बैठे हुए। बैठ के अब तो तंग आ गए हम, किधर जाएं? घर जाएं तो घर खर्चे हैं, बाहर तो काम नहीं है, किधर जाएं? घर जाएं तो खर्चे ही है, बाकी है मंगा दो है मंगा दो। हाँ जी, बिजली के बिल 200 यूनिट चल जाए तो 10,000 बिल आ जाता है, 300 यूनिट चल जाए तो 15-20,000 बिल आ जाता है। किधर जाए गरीब बंदा? गरीब को तो हक ही छीन लिया जिंदा रहने का। के उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि जब रियासत काम करने लगती है तो उन्हें भूंड लड़ जाते हैं। जी जी भाई जान, रियासत जब काम करने लगती है उन्हें भूंड नहीं लड़ जाते, ये खुद भूंडों के पास चले जाते हैं। आप देखें ना, आज से 6 माह पहले मुस्लिम लीग नून का बयानिया था वोट को इज्जत दो, आज मुस्लिम लीग का बयानिया को इज्जत दो। अब उस्मा बुखारी ने तो ऐसी बातें करनी है ना, जब को इज्जत दे, जब आपने वोट को इज्जत देनी। भूंड कौन से लड़ जाए? ऐसे भूंड लड़ जाते हैं जी, ये कर दो पीले वाले छोटे वो लड़ते हैं इनको, हाँ छोटे छोटे जो भूंड होते हैं वो लड़ते हैं इनको, वो इनको पता नहीं चलता कब लड़ गए, और बाद में पता चलता ये लड़ गए। सरफराज तो बाद में पता चलता भाई जान इनको कब लड़ गए। ये 800 का सूट पहनते इसलिए इनको पता नहीं चलता। ऐसे ही है जी, 800 रुपये का सूट, 800 रुपये की ये शर्ट नहीं है, लंडे से ली है, तो उन्हें 800 रुपये का ब्रांडेड सूट मिल रहा है। माय गॉड, अभी तक वो 800 रुपये वाली जो बात कर रही है ना बाजी उस्मा, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। नहीं सर, बाजी उस्मा की बातें बड़ी हैं, वो तो मियां नवाज शरीफ के हक में रैली निकाल रही थी और कह रही थी गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। ये पंजाब असम्बली में उस्मा बुखारी का 2018 में है। उस्मा बुखारी की बड़ी बातें हैं, वो आम आवाम की समझ में नहीं आ सकती। वो जो मियां साहब कहते थे खलाई मखलूक है, कोई खलाई मखलूक है? उस्मा बाजी की बातें खलाई मखलूक को ही समझ आ सकती हैं। क्यों जी, क्या पैगाम है उस्मा बुखारी साहब को कि ये भूंड कैसे लड़ने बंद हो जाएंगे? वो 800 का सूट पहना छोड़ दें, कोई अच्छा सा सूट पहने,
उनको अपना क्या बोला। उस्मा बुखारी साहब है, उनका एक बयान आ गया है, कहती हैं कि जब रियासत काम करने लगती है तो उन्हें भूंड लड़ जाते हैं। ये भूंड को कैसे लड़ जाते हैं उनको जब रियासत काम करने लगती है? मेरे ख्याल में काम करते बंदे तो नहीं लड़ते। बस वो उनके बयान के ये है ना, मैं समझ से बलाता रहे कि किस तरह उन्होंने दे दिया। जब समझ से बलाता रहे, हाँ जी, वो इसलिए कि जब गवर्नमेंट एक काम नहीं कर सकती ना, फिर कोई बहाना ढूंढती है। हाँ जी जी जी, वाह वाह क्या खूबसूरत बात है जी। फिर वो कोई बहाना ढूंढती है कि कुछ ना कुछ कहा जाए जब उनसे आवाम को कैसे गोली देनी है, कैसे उनको जो है ना। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, आवाम को कैसे गोली देनी है। बिल्कुल। क्या पैगाम ये है कि आप जो है ना, जो लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है, आप इसको सही करें, जो महंगाई है उसको कम करें, ठीक है, बजाय इसके कि आप टिकटॉकर बनी हुई है। अच्छा जी, एक उस्मा बुखारी साहब का एक बयान आ गया, कहती हैं कि जब रियासत काम करने लगती है जी जी, तो इन्हें भूंड लड़ जाते हैं। नहीं, भूंड किनको लड़ते हैं जी? जब रियासत काम करती है। नहीं, रियासत तो काम कर रही, भूंड किनको लड़ते हैं? उस्मा बुखारी साहब कह रही है रियासत को लड़ जाते हैं भूंड। नहीं, रियासत तो काम कर रही है ना, तो वो उनको तो भूंड अगर लड़ रहे हों तो वो तो काम ना करें, वो तो काम कर रहे हैं और इस वक्त वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस वक्त बुखारी साहब ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं कि रियासत काम करने लगती है तो भूंड लड़ जाते हैं? नहीं, जहाँ तो वो ये बताए ना कि मुखालफों को लड़ते हैं, ये कहे ना। अगर वो हुकूमत को, इसका मतलब हुकूमत को वो कह रही है। बहरहाल इस वक्त काम कर रही है मरियम नवाज साहब और बड़ी मेहनत कर रही हैं। बड़ी बात है। हाँ जी, और अल्लाह इनको हिम्मत ही रखे। हमारी दुआ है कि ये इस तरह काम करते रहें। जैसे ये आटे का मामला बना है, इन्होंने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। बड़ी बात है। घी के ऊपर मेहनत करें, चीनी के ऊपर मेहनत करें, और पेट्रोल के ऊपर भी वो काफ़ी कर रहे हैं काम। हाँ जी, और बिजली के ऊपर करें, क्योंकि असल में ना, अब हमें जो है ना, आवाम से बड़ी शर्मिंदगी लोगों से हो रही है। जब हम इनके लिए वोट मांगने के लिए लोगों के पास गए, जो हमारे हलके में खड़े थे या पूरे लाहौर में लोग खड़े थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जी हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा था। अब हमें शर्मिंदगी होती है, वो लोग हमारे पास आते हैं जी, हमने तो आपकी वजह से वोट दिया है। क्या बिल्कुल सही है कि बात उस्मा बाजी सुनने वाली है ये, कि भी आपने कहा था कि 300 यूनिट, वो कहते हैं कि जब हम आपके लिए वोट लेने गए थे, अब उन लोगों के सामने हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब बार बार हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी वो कहाँ आपके 300 यूनिट गए हैं, क्या ऐसे ही हमारे साथ आप हमेशा करेंगे? तो हमें इस बात पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मरियम नवाज साहब बहुत काम कर रही हैं, बड़ी हिम्मत से काम कर रही हैं, और अल्लाह इनको इसी तरह हिम्मत ही रखे, हमारी दुआ है, और इसी तरह करते रहें ये। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा इनकी ऊपर भी हुकूमत इन्हीं की है। बिल्कुल सही है। और मरियम नवाज साहब जो है ना, अगर इस बात पर तवज्जो करेंगी, जोर लगाएंगी, तो मेरा ख्याल है चलें कम से कम ये जो महंगाई, बिजली की महंगाई हो रही है, वो कम से कम रुक जाए। बिल्कुल सही है। पीछे जैसे मुझे एक बंदे ने भी बिजली के बिलों के बारे में कहा कि जो भूंड हमें लड़ रहे हैं बिजली की सूरत में, वो तो बिजली के लड़ रहे हैं ना जी। अब उस्मा बुखारी साहब को कौन से लड़ रहे हैं ये हमें नहीं पता। हमें तो लड़ रहे हैं ना, क्योंकि उनकी तो देखें जी बिजलियाँ फ्री हैं। आए। है जी, उनको तो नहीं लड़ना चाहिए, लड़ने तो हमें चाहिए ना, लड़ने तो हमें चाहिए, जिन्होंने वोट भी मांगे इनके लिए। ठीक है जी, अब लोग भी हमारे दरवाजे पे आते हैं, लो जी आपने तो कहा था, बड़े दावे किए थे साथ कि लो जी आप हमारे पास आना अगर ये ना काम करेंगे। हाँ जी, तो अब वो हमारे पास आते हैं, हम किसके पास जाएं, अब ये तो हमें मिलता कोई नहीं। लेकिन चलें, मरियम नवाज साहब बहरहाल जी बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छी बात की है कि लोग अब हमारे दरवाजे तक आते हैं, कि इन्होंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी कंपेन चलाई है, और बड़े लोगों को जाकर कहा है कि ऐसा होगा और वैसा नहीं हो रहा, और इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लोग आके पूछते हैं, कहते हैं हम किधर जाएँ, किसको जाकर कहें कि ये लोग कह रहे हैं हमें आकर। बहरहाल हमने तो ये लोगों की आवाज़ जो है, आवाम की आवाज़ जो है, वो आप तक पहुँचानी होती है, हमारा काम यही होता है। आपने आवाम की आवाज़ सुन ली है कि कौन से भूंड आवाम को लड़ रहे हैं, और आवाम को लड़ रहे हैं जी, आवाम को ही लड़ रहे हैं भूंड भी जो हमें लड़ रहे हैं, क्योंकि बिल तो हम देते हैं, आप तो देते नहीं। बहरहाल जी,
भूंड तो असल में अवाम को ही लड़ रहे हैं। बहरहाल हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए, आपके चेहरे के आंसू चुरा लिए जाएं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, फेसबुक भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके मरियम नवाज ससुरा का साथ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।